हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास टू की करवा रही हूँ चैप्टर वाइज़ मैं एमसीक्यू लेकर आती हूँ वो एक्सप्लेन करके उसके एमसीक्यू किस किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी हमारा एम सी वर्कबुक से मैं एम सॉल्व करवा रही हूँ चैप्टर वाइज और आज का हमारा चैप्टर है लर्निंग टू यूज़ माउस जिसे मैं एक्सप्लेन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करूँगी इससे पहले मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास टू के सी बी एस सी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन करके उसके बुक सॉल्व क्वेश्चंस डाले हैं उसे आप एक बार अवश्य देखिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद एनसीओ ओल्पियाड वर्क बुक की एम सी क्यू सॉल्व करने की कोशिश करें चैप्टर लर्निंग टू यूज माउस वैसे तो मैंने माउस चैप्टर को अच्छे से समझा चुकी हूँ फिर भी एक बार रिकॉल के हिसाब से मैं वापस रिपीट कर रही हूँ आई नो डैट ए कंप्यूटर माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस अ टेल हम जानते हैं कि कंप्यूटर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है साथ में उसकी एक पूछ होती है इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स ये हमें पिक्चर ड्रॉ करने और गेम्स खेलने में मदद करता है पाउस माउस तीन प्रकार के होते हैं नंबर वन टू लेफ्ट टू बटन माउस नंबर टू थ्री बटन माउस एंड नंबर थ्री स्क्रॉल माउस फर्स्ट माउस हैज लेफ्ट बटन टेल एंड राइट बटन सेकेंड माउस हैज थ्री बटन मिडल बटन राइट बटन एंड लेफ्ट बटन and the third mouse is scroll wheel left button and right button the scroll wheel is used to move a page up and down by rolling it scroll wheel ka use hum page ko upar ya niche rolling ke madhyam se karte hain fourth ball mouse इस प्रकार के mouse को हम mechanical mouse भी कहते हैं. and five optical mouse एंड आई नो द माउस बटन माउस एक्शन एंड देयर यूजेज टू और हम जानते हैं कि और भी माउस के क्या यूजेज एंड एक्शन्स होते हैं एंड माउस हेल्प मी टू प्ले माई वीडियो गेम्स और माउस जो है हमें मदद करता है वीडियो प्ले गेम्स खेलने में चैप्टर सिक्स लर्निंग टू यूज़ माउस क्वेश्चन नंबर वन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माउस एक्शन इसमें से हमें माउस के एक्शन को आइडेंटिफाई करना है इट मीन्स एंड रिलीजिंग द माउस बटन इसका मतलब माउस को प्रेस करना एंड रिलीज करना एंड इट इज़ डन आफ्टर पॉइंटिंग एट एन आइटम ऑन द स्क्रीन इसके बाद इस स्क्रीन पर कोई आइटम हमें पॉइंटिंग के पॉइंटिंग से दिख रहा है ऑप्शन ए क्लिकिंग बी निकिंग सी शिफ्टिंग एंड डी ऑल ऑफ दिस माउस एक्शन क्या कहलाता है ऑप्शन ए क्लिकिंग क्वेश्चन नंबर टू ऑन द माउस स्मॉल एरो दैट मूव्स एज यू मूव द माउस इज नोन एज कंप्यूटर मॉनिटर पर हमें स्मॉल एरो दिखता है जब हम माउस को मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं वो क्या होता है ऑप्शन ए पॉइंटर डी आइकॉन, सी स्क्रीन एंड डी फोल्डर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिस इज पॉइंटर पॉइंटर इज़ यूज टू पॉइंट द आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। पॉइंटर को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नेम आफ्टर अ एनिमल इनमें से कौन से ऑप्शन का नाम एक एनिमल पर है ऑप्शन ए माउस बी स्कैनर सी प्रिंटर एंड डी मॉनिटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माउस क्वेश्चन नंबर फोर बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस कंटेन मेटल और रबर बॉल under इट्स belly? इनमें से कौन से माउस के अंदर माउस का कौन प्रकार का माउस है जिसके अंदर मेटल या रबर का बॉल उसके पेट में रहता है पेट के अंदर रहता है ऑप्शन ए मैकनिकल माउस बी ऑप्टिकल माउस सी थ्री डी माउस एंड डी नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मैकनिकल माउस नंबर फाइव मैच द माउस एक्शन गिवन इन कॉलम वन विथ देयर क्रस्पॉन्डिंग फंक्शंस गिवन इन कॉलम टू यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं जिसको मैच करना है माउस के एक्शन एंड उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है तो हम देखेंगे डबल क्लिक डबल क्लिक मीन्स ओपन ए प्रोग्राम या फाइल डबल क्लिक के माध्यम से हम ओपन प्रोग्राम या फाइल को ओपन करते हैं ए का टू बी राइट क्लिक राइट क्लिक मीन्स शो द लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन राइट क्लिक से हमें स्क्रीन पर कमांड के लिस्ट हमें शो होते हैं सी सिंगल क्लिक सिंगल क्लिक मीन्स सेलेक्शन एंड आइटम एंड डी ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स मूव एंड आइटम ऑन द स्क्रीन ड्रैग एंड ड्राप से किसी भी आइटम को स्क्रीन पर मूव करवाते हैं इस प्रकार इसके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं ऑप्शन डी में ए का टू बी का फोर सी का वन एंड डी का थ्री करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द गिवन स्नैप चॉट मोर दैन वन आइटम हैव बिन सेलेक्टेड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द माउस यहाँ पर ये तीन स्नैप चॉट या पिक्चर शो हो रहे हैं कंप्यूटर्स रिसाइकलबिन एंड फोल्डर इसमें से वन आइटम सेलेक्ट है और हमें इन सभी को एक साथ एक जगह पर लाना है तो हम कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऑप्शन ए क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग बी डबल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग सी ट्रिपल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग एंड डी ऑल ऑफ दिस कैरेक्ट आंसर इज क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग तीनों ऑप्शन को एक आफ्टर एक के बाद दूसरे ऑप्शन को एक साथ लाकर हम क्लिक एंड ड्रैग करके एक जगह पर ला के अरेंज कर सकते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू पॉइंट टू एन आइटम ऑन द स्क्रीन इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर हमें दिख रहा है ये स्क्रीन पे जो हमें चार ऑप्शंस दिख रहे हैं माउस प्रिंटर जॉयस्टिक एंड मॉनिटर इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर माउस माउस इज अ

ये कंप्यूटर आइकॉन को हाईलाइट करना है स्क्रीन पर तो इसमें से कौन सा एक्शन सही है ऑप्शन ए डबल क्लिक ऑन दिस आइकॉन बी लेफ्ट क्लिक ऑन दिस आइकॉन, सी ट्रिपल क्लिक ऑन दिस आइकॉन एंड डी ड्रॉप दिस आइकॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेफ्ट क्लिक ऑन दिस आइकॉन। इस आइकॉन पर हम माउस को लेफ्ट क्लिक रखकर इसको क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाएगा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स द ट्रू रिगार्डिंग डबल क्लिक डबल क्लिक के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है स्टेटमेंट वन टू रिलीज द लेफ्ट माउस बटन आफ्टर प्रेसिंग इट ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड डबल क्लिक लेफ़्ट माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ करेंगे उसके बाद प्रेस दो बार क्विकली प्रेस करेंगे तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं एन स्टेटमेंट टू इट ओपन द सेलेक्टेड आइटम और इससे हम सेलेक्टेड आइटम को ओपन कर सकते हैं ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट वन बी ओनली स्टेटमेंट टू सी बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू एंड डी नाइदर स्टेटमेंट नॉर नाइदर स्टेटमेंट वन नॉर स्टेटमेंट टू सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन वाट शुड यू डू वेन द माउस पॉइंटर गोज ऑफ द स्क्रीन हमें क्या करना चाहिए जब माउस पॉइंटर स्क्रीन पर दिख रहा हो ए क्लिक द माउस माउस को क्लिक करना चाहिए बी डिसकनेक्ट द माउस माउस को डिसकनेक्ट करना चाहिए सी विगल द माउस एंड डी टैप द माउस जेंटली माउस को टैप करना चाहिए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेगल द माउस माउस को हमें विगल करना चाहिए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आज के लिए इतना ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब प्लीज कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और क्लास टू ओलंपियाड वर्कबुक इसी प्रकार आगे चैप्टर्स को आप देखते रहिए थैंक यू